पूर्वी हिमालय के निचले इलाकों में दूर दूर तक फैला ये ट्रॉपिकल जंगल जिसका नाम है पाके टाइगर रिजर्व। इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा पर बहती आलिशान नदी पर इसका ये नाम पड़ा है। कम ही लोग इस वाइल्ड जगह के बारे में जानते हैं जहां विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, छोटे जीवों से लेकर कुछ बहुत बड़ों तक। इन अनछुए जंगलों में सब कुछ मौसम के मुताबिक चलता है। ये एशिया के विशाल हॉर्नबिल्स में से एक है जिसके पंखों का विस्तार 1.5 मीटर से भी अधिक है और सिर के ऊपर मौजूद है एक अनोखा खोखला कैस्क जिसकी वजह से इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। नर और मादा के बीच मामूली सा अंतर होता है। मादा की आंख की पुतली का रंग सफेद होता है जबकि नर की पुतली का रंग लाल होता है। शाम के समय सभी हॉर्नबिल्स अपने बसेरों में लौट जाते हैं। कभी कभी ग्रेट हॉर्नबिल्स पूरी रात ऊंची चट्टानों पर उगे पेड़ों पर बिता देते हैं जबकि रीत हॉर्नबिल्स के झुंड रात होते ही अपने बसेरों में लौट आते हैं जहां सैकड़ों पंछी सबसे ऊंची टहनियों पर एक साथ बैठ पाते हैं। दुनिया भर में हॉर्नबिल की 62 प्रजातियां हैं जिनमें से 9 भारत में पाई जाती हैं और उनमें से 4 पाके टाइगर रिजर्व में मिलती है। रीत और ग्रेट हॉर्नबिल के अलावा यहाँ ओरिएंटल पाइड और रूफस नेक्ट हॉर्नबिल्स भी पाए जाते हैं। बसंत के मौसम में रूस्टिंग साइट्स जैसे गांव की चौपाल बन जाते हैं, यानी मिलने, एक दूसरे की साज संवार करने और साथी ढूंढने की एक जगह है। नेस्टिंग टाइम के करीब आते ही टैंजिक का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां ग्रेट हॉर्नबिल में नर और मादा की आंख का रंग अलग अलग होता है वहीं दूसरी तरफ मादा रीत हॉर्नबिल की गर्दन नीली या गुलर पाउच की होती है, नर की पीली, और बहुत जल्द ये दोस्ती एक नए रिश्ते में तब्दील हो जाएगी। मेटिंग का मौसम आते ही इनके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। नर और मादा दोनों आक्रामक हो जाते हैं। युवा नर दबदबा बनाने के लिए लड़ते हैं जबकि जुविनाइल मादा अपने कॉम्पिटिशन को भगा देती है। इस कोर्टशिप में नर को साबित करना है कि वो एक बेहतरीन प्रोवाइडर हो सकता है। वो चाहता है कि मादा उसका निवेदन मान ले। लेकिन मादा अभी भी तैयार नहीं है। आखिरकार दोस्ती पक्की हो जाती है। ये एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत है, एक ऐसा रिश्ता जो पूरी उम्र चलेगा क्योंकि हॉर्नबिल्स जिंदगी भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। बेफिक्री का ये समय जल्द ही बीत जाएगा। आने वाले महीनों में मादा नर पर भरोसा रखते हुए अपनी आजादी जैसे उसके पास गिरवी रख देगी। रीत हॉर्नबिल्स मेटिंग कर चुके हैं और अब इन्हें एक घोंसला बनाने की जगह की तलाश करनी होगी। इसके लिए एक पुराने पेड़ की ऊंचाई पर बना गहरा सुराख अच्छा रहेगा। कुछ सुराख कुदरती होते हैं और कुछ वुड पैकर्स जैसे पक्षी बना जाते हैं। इस नर रीत हॉर्नबिल को एक संभावित जगह मिल गई है लेकिन क्या उसकी मादा को ये जगह पसंद आएगी? ये जरूरी है कि वो इस सुराख में सुरक्षित महसूस करे और उसे आराम भी मिले। इम्तिहान का पल सामने है। मादा जांच पड़ताल में जुटी है। नर को उसकी मंजूरी का बेसब्री से इंतजार है। ग्रेट हॉर्नबिल्स के एक जोड़े को भी एक घोंसले की तलाश है और अगर मादा ने इस घोंसले को ना मंजूर किया तो इस पर उनका कब्जा हो जाएगा। इस नर रीत हॉर्नबिल ने अब तक हार नहीं मानी है।
लेकिन अगर मादा ग्रेट हॉर्नबिल को यह घोंसला पसंद आया तो उसे दूसरे की तलाश करनी होगी। ये अपने साथी जितनी नखरीली नजर नहीं दिखती है, उसे राजी करना जरूरी है, क्योंकि एक बार घोंसले के अंदर जाने के बाद वो लंबे समय तक बाहर नहीं निकलेगी। एक मादा हॉर्नबिल को आखिरकार एक पेड़ की कैविटी पसंद आती है। अब इसके अंदर भोजन आने के लिए थोड़ी जगह छोड़कर यह खुद को किला बंद कर लेती है और अपनी बनाई इस जेल के अंदर वो शायद 2 या 3 दिन में 1 या 2 अंडे देगी। अप्रैल के महीने में पाके टाइगर रिजर्व में तापमान बढ़ने लगता है, जंगल में हर तरफ रंग दिखने लगते हैं और पेड़ों की चोटियों पर हलचल बढ़ जाती है। हरे रंग के कबूतर, बुलबुल और हॉर्नबिल्स टहनियों पर लटके छोटे छोटे फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन हॉर्नबिल्स इससे बड़ी चीजों के लिए बने हैं। ये एक ही बार में बड़े फलों को निगल सकते हैं। और उनके पास चुनने के लिए कई तरह के फल होते हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि साल में इस समय वयस्क नरों पर अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने का काफी बोझ रहता है। ताजिक के अडॉप्टेड घोंसले के नर ग्रेट हॉर्नबिल को भोजन की तलाश में आज शायद 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी होगी। पेड़ के अंदर कैद अपनी मादा के पास नर लौट जाता है। वो यहां 45 दिनों से रह रही है और अब तक उसके अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अपने गले की थैली में जगह जगह से जमा किए गए फलों से ये हॉर्नबिल एक आदर्श जीवन साथी है, एक प्रेरणा है इंसानों के लिए भी। हॉर्नबिल अपने साथी का पेट ही नहीं भरते, वो जंगल की जमीन पर बीज गिराकर अपने घर यानी जंगल को भी हरा भरा बनाते हैं। कई बीज तो मदर ट्री से बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। इन बीजों के बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनको जगह, रोशनी या पोषण के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है और एक दिन इनमें से पेड़ उगेंगे जिनसे हॉर्नबिल्स के लिए भोजन मिल पाएगा। बरसात के मौसम में ग्रोथ तेज होने की वजह से जंगल हो जाते हैं ज्यादा घने और ज्यादा खतरनाक। चार महीने से मादा ग्रेट हॉर्नबिल ने अपने आप को इस पेड़ के अंदर छुपाया हुआ था और अब उसके उत्सुक बच्चे अपने सिर को बाहर निकालकर पहली बार दिन की रोशनी को देख रहे हैं। बाहर आने के कुछ घंटों के अंदर ये अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने थके हुए साथी का बोझ हल्का करती है। बच्चे के घोंसले से बाहर निकलने के लिए बेचैन माता और पिता अब बार बार आवाज देकर उससे मिन्नत कर रहे हैं। एक नया और युवा हॉर्नबिल बस अपने पंख फैलाकर जंगल में उड़ते हुए अपने साथियों से मिलने के लिए बेताब है और एक दिन ये अपने परिवार की देखभाल करेगा, जबकि उसकी देखरेख पाके के घोंसलों के संरक्षक कर रहे हैं।